दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से PNG फोटो बनाना चाहते हो थंबनेल में ऐड करने के लिए, इस वीडियो को सच्चे मन से देख लेना। आज ही आप सीख जाओगे कि फोटो का बैकग्राउंड किस तरीके से हटाया जाता है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दोनों तरीका बहुत ही मस्त है। आप वन क्लिक में ही फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो। पहला, अगर आपके पास नेट है तो आप 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो। और दूसरा, अगर आपके पास नेट नहीं है तो भी आप वन क्लिक में ही फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो। तो सबसे पहले कौन सा तरीका बताऊं, ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला, आप बताओ। चलो मैं ही बता रहा हूँ, मैं आपको ऑफलाइन बता रहा हूँ पहला, ठीक है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है फोटो एडिटर प्रो, सर्च कर लेना है। तो दोस्तों आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको फोटो पे क्लिक करके उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पर कोई एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका फिल्टर वगैरह चेंज कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगूं। तो यहाँ पर मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, ब्राइट वाला फिल्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने हिसाब से फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना, ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो पहले मैं काला काला था और फिल्टर चेंज करने के बाद मैं गोरा गोरा हो गया। तो भाई आपको भी फिल्टर वगैरह चेंज कर लेना है ताकि आप दिखने में अच्छे लगो। इसके बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब आपको लेफ्ट की ओर सिलेक्ट करना है, कट आउट में क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देखना वन क्लिक में ही फोटो का बैकग्राउंड पूरा हट जाएगा। यहाँ पर आपको AI में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फोटो का बैकग्राउंड पूरा हट चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत रह गया है। तो यहाँ पर आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ब्रश पे क्लिक करके इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो फोटो पूरी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करके अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो दोस्तों ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आप गैलरी में जाकर के चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस फोटो का मैंने बैकग्राउंड पूरा रिमूव कर चुका हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो यहाँ से मैं पहले बैक आ जाता हूँ। दोस्तों आप 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने फोटो का बैकग्राउंड पूरा हटा सकते हो। आपको करना क्या है, गूगल को ओपन करना है, नेट को चालू कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है BG, इतना करके आपको सर्च कर लेना है, रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करके आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो का बैकग्राउंड आप हटाना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पर कोई एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं फोटो सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 सेकंड के अंदर अंदर मैंने फोटो का बैकग्राउंड पूरा रिमूव कर दिया हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अब दोस्तों आपको इस इमेज को डाउनलोड करना है अपने गैलरी में, तभी तो आप थंबनेल में यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड में क्लिक कर देना है तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इस फोटो का बैकग्राउंड पूरा रिमूव कर दिया हूँ। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो और अपनी फोटो को थंबनेल में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आप PNG फोटो तो बनाना सीख गए हो, लेकिन दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है तो आपको करना क्या है कि इस वाली वीडियो को देख लेना है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ कि थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है, ओके। अगर आपसे फोटो एडिट करते समय कोई भी दिक्कत होती है आपको कॉमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना है। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक ले बाय।